पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने दो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे दिया जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। चुनावी दंगल शुरू होने के बाद टिकट न मिलने पर नाराजगी, गुस्सा और प्रदर्शन की खबरें आती रहती हैं। लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। इन दोनों नेताओं को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, लेकिन इन दोनों ने न सिर्फ बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, बल्कि इस बात पर हैरानी जताई कि उन्हें टिकट कैसे दे दिया। टीएमसी कार्यकर्ताओं से घिरे तरुण साहा को बीजेपी ने काशीपुर बेलगछिया से टिकट दिया है, लेकिन तरुण का कहना है कि वो टीएमसी के लिए प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी ने उनसे बात किए बगैर टिकट कैसे दे दिया। कुछ यही कहानी कांग्रेस की नेता शिखा मित्रा की है। बीजेपी ने इन्हें चौरंगी सीट से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन शिखा मित्रा का कहना है कि जब उन्होंने टिकट मांगा ही नहीं तो उन्हें उम्मीदवार क्यों बनाया है। আমরা কংগ্রেস ঘরানার থেকে আমরা কি করে বিজেপিতে যাব, এটা তো আমার মনে পড়ো স্ট্রিমটাই আলাদা, দুটো প্ল্যাটফর্মই আলাদা। শিখা মিত্রা বঙ্গাল কে বড়ে কংগ্রেস নেতা দিবঙ্গত সুমন মিত্রা কি পত্নী হ্যায়। 2011 মে উন্হোনে টিএমসি কে টিকট পর চুনাও জিতা থা। बीजेपी ने गुरुवार को 148 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, लेकिन चर्चा सिर्फ इन्हीं दो उम्मीदवारों की हो रही है। साफ है कि कोलकाता बीजेपी ने इन दो नेताओं को टिकट बांटकर अपनी किरकिरी करा ली है। अजीब बात यह है प्रतिमा कि जिन्हें टिकट मिला वो भाग रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट न मिलने पर बवाल काट रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और जलपाईगुड़ी में बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान के बाद कुछ कार्यकर्ता भिड़ गए। दो अलग अलग विधानसभा सीट, लेकिन दोनों जगह गुस्से की एक जैसी तस्वीर। इन दोनों सीटों पर जैसे बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर हमला बोल दिया। पहले पोस्टर फाड़े, तोड़फोड़ की और फिर फटे पोस्टरों को आग के हवाले कर दिया। उत्तर 24 परगना की जगत दल विधानसभा सीट पर नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी की और उम्मीदवार बदलने की मांग रखी। जगत दल सीट से बीजेपी ने अरिंदम भट्टाचार्य को उम्मीदवार बनाया है। नाराज कार्यकर्ता अर्जुन ब्रह्म को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस सीट पर पिछले दो चुनाव में टीएमसी उम्मीदवार की जीत हुई थी। जलपाईगुड़ी में भी कार्यकर्ताओं का एक गुट बीजेपी उम्मीदवार से नाराज है। जलपाईगुड़ी में बीजेपी ने सुजीत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कार्यकर्ता पार्टी के फैसले से खुश नहीं है, लिहाजा उन्होंने बगावती तेवर अख्तियार कर लिया है। बंगाल की बात हो रही तो जान लीजिए, बंगाल में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनावी हिंसा का दौर भी और तेज होता जा रहा है। नंदीग्राम में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त झड़प हो गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शुभेंदु अधिकारी की सभा में घुसकर तोड़फोड़ की। घटना के वक्त शुभेंदु यहां नहीं थे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन पर बार बार हमले किए जा रहे हैं। सुबह कुछ टीएमसी गुंज ने आकर इधर डिस्टर्ब कर दिया, अरे इधर हमारा पेंडल टूटा, इधर तीन आदमी को इंजर्ड किया, हॉस्पिटल गया, ये खतरनाक, इसको एक्शन लेना चाहिए। नंदीग्राम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चुनावी रैली में भी हमला हुआ। इस दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया। धर्मेंद्र प्रधान खुद उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर प्रधान ममता सरकार पर जमकर बरसे। ये बहुत चिंताजनक विषय, प्रजातंत्र में लोकल पुलिस अगर टीएमसी के साथ मिल जाएगा, मैं चुनाव आयोग को निवेदन करता हूँ तुरंत हस्तक्षेप करे, पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाए। ABP News आपको रखे आगे।